नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कैसे हैं लाडलो, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग, और आज इस क्लास का तीसरा दिन है। आपको पता है पहले दिन हमने बेसिक वाली चीजें पढ़ी, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड की बात करी, और जो कल हमने जो पढ़ा था वो टाइप थर्ड की बात करी थी, जहां पर उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल केसेज आपको पढ़ाए थे। और आखिरी सवाल मेरे लाडलो हमने कहां पर छोड़ा था, आखिरी जो सवाल था मेरे प्यारे भाइयों हमने कहां छोड़ा था कि आपको पता है मैंने बताया था कि किसी कोड भाषा में केट को CCATC लिखा जाता है, तो DOG डोग डोगनी गंडगड़े को क्या लिखा जाएगा, है ना। इन अ सर्टन कोड केट इज कोडेड बाई CCATC इन व्हाट इज द कोड ऑफ डॉग। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाडलो आपको पता था जब मैंने बताया था कि भैया यहां पर जो केट है वो केट तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, और इसका शुरू का अक्षर सी और सी यहां पर इनको बांध दिया है, तो यहां पर DOG डॉग तो है, तो DOG डॉग मैंने लिख दिया है, यहां पर डी हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब इसी परिपाटी को थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलूंगा आप लोगों के साथ, ईमानदारी के साथ थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और मेरा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दिए जोरदार तरीके तक, ताकि और भी बच्चों तक ये सवाल पहुंच जाए। चलिए तो बेटा अगला सवाल कुछ इस तरीके का बन बैठेगा कि आप लोग देखिएगा, क्योंकि हमने आपको अपोजिट वाले भी कराए, विपरीत वाले भी कराए। और यहां पर देखो, अगर आपसे कहा जाए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो अगर आपसे कहा जाए कि बेटा MOR और N को किसी कोड भाषा में बेटा D लिख दिया जाए, F लिख दिया जाए, I लिख दिया जाए, और यहां पर भी क्या लिख दिया जाए बेटा, E लिख दिया जाए, E, तो आपको बताना है XRAY को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर बताना है बाबू, और कोशिश ये कीजिएगा कि मैं सवाल लिख दूं और उधर कमेंट सेशन में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, यहां अगर अपन बात करते हैं, यहां अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो यहां देखिएगा, जैसे मान लो CAP केप है, और केप को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है, ये बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है, आप देखिएगा, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आजकल काफी बार पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाए WAR वार का कोड क्या होगा। ऐसे ही एक तीसरा सवाल आ जाए बेटा, ZOT को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है बेटा, ZBKM और F और H लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जाए बेटा PEN पेन का कोड क्या रहने वाला है, पेन का जो कोड है वो क्या रहने वाला है। तो जल्दी से इन चारों पांचों सवालों के बारे में आप बताएंगे कि ये अच्छा, सबसे बड़ी बात स्पेशल केसेज का मतलब होता है बेटा, वो कुछ भी उलझुल कंसेप्ट दे देता है, लेकिन उलझुल नहीं होते, बेहद उम्दा सवाल होते हैं बेटा, है ना, बेहद उम्दा सवाल होते हैं। फिर आपसे कहा जाए कि भैया यहां पर बताओ MOR फिर से मैंने लिखा का जो कोड है वो क्या लिख दे, तो इसको लिखा जाता है बेटा AC और A और E लिख दिया जाए, A और H लिख दिया जाए, है ना। तो आपसे पूछा जाए बेटा कि W और यहां मान लीजिएगा कि यहां पर आ जाएगा U, है ना, W U और Z को क्या लिखा जाएगा। फटाफट यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, थोड़ा सा हम अग्रसर होते हैं। देखो अग्रसर तो होंगे ही, वरना हाबू बना जाओगे बाबू। ठीक है, जैसे यहां पर आ जाए बेटा OP और मान लीजिएगा जेड, है ना, जेड लिख दें, और इसको किसी कोड भाषा में लिख दिया ई लिख दें, एफ लिख दें, और यहाँ पर लिख दें एल, तो आपसे पूछा जाए बेटा वी और यू और वाई को क्या लिखा जाएगा। ये चंद सवाल है जो इस बार पिछले 2-3 सालों में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए, पूछने के बाद हालात इतने बेहतर हो गए कि बेटा बच्चे सोचते रह गए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। जब बेसिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो बेटा कुछ ऐसे सवाल और स्पेशल केसेज में क्वेश्चंस आते हैं तो बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा बेटा, हम लोग आग लगा देंगे, और सेशन को एक बार थोड़ा जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, नोट्स बनाना मत भूलिएगा, हो सकता है ये यूट्यूब क्लास और उससे बनाए गए नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, MORN कह रहा है ना, MORN
कि भाई चलो ठीक है सर यहाँ तक तो ठीक है, अब एम ओ आर एम कह रहा है तो देखो अगर मैं नंबर लिखूँ तो बेटा यहाँ पर 13 आ जाए, ये 15 आ जाए, ये 18 आ जाए, ये 14 आ जाए, इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 6 है, इसका नंबर 9 है, इसका नंबर 5 है, तो 13 से अगर मैं 4 की बात करूंगा तो बेटा माइनस 9 की तरफ गया, 15 से 6 की तरफ बात करूंगा तो बेटा माइनस 9 की तरफ गया, 18 से 9 की तरफ जाऊंगा तो बेटा माइनस 9 की तरफ गया, और 14 से 5 की तरफ जाऊंगा तो बेटा माइनस 9 चला गया, है ना, माइनस 9। आप लोगों ने सोचा तो सही। अब जब आप याद करोगे कि सर इसका नंबर 24, इसका नंबर 18, ये 1 और ये 25, और मान लो मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं कि अगर यहां पर से मैं 9 घटा देता हूं तो 15 आ जाएंगे, 15 का मतलब ओ, यहां से मैं 9 घटा देता हूं तो बेटा आई आ जाएगा, 27 में से 9 चले जाएंगे तो बेटा आर आ जाएगा, है ना, और 25 में से अगर 9 चले जाएंगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 5 तो वो चले गए, 4, 16 आ जाएगा, ये तो ओ आई आर पी आ जाएगा। लेकिन तुम एक बार के लिए सोचो कि आपने जो सरल तरीका देखा वो तो ये था, तो भाई ये वाला जो कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको टाइप सेकंड में पढ़ा दिया, भाई +1 +2 +3 +5 +4 है, +2 2 2 2 +3 3 3 -5 5 5, ये तो हमने तभी चर्चा कर ली थी जब हमने प्लस टाइप सेकंड की बात करी थी। यहां पर मुझे दोबारा इसको रिपीट करने की कहानी पड़ी। तो बेटा ये अगर आपका आंसर है, और मैं ये कहूं कि बेटा चलो ठीक है आपने अपने हिसाब से ठीक किया, लेकिन मेरे लाडलो ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये लो पूरा का पूरा क्या है बेटा, गलत है, गलत नहीं है मतलब ऑप्शन में ही नहीं है, कि भाई ऑप्शन में भी तो हो। अब आप लोगों की दिमाग घूमा, लेकिन अब तक तो ऑप्शन में कई बच्चों ने कमेंट सेशन में आंसर दे दिया होगा कि सर आखिर चल क्या रहा है, तो बेटा देखो चल क्या रहा है, चलाने वाले तो हम हैं, अब देखो कैसे चलेगा, देखो बेटा 13 है ना, 13 तो 13 के दोनों का योग 3 और 1 4 होता है, आए बात समझ में, मतलब जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू उन दोनों को ऐड करके यहां पर 4 कर दिया, और बेटा 5 और 1 का योग कितना हो गया, 6 हो गया, 8 और 1 का योग कितना हो गया, 9 हो गया, 4 और 1 का योग कितना हो गया, 5 हो गया, ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से बेटा यहां पर क्या करोगे, 2 और 4 है तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7, इसका मतलब F है, इसका मतलब I है, इसका मतलब A है, और इसका मतलब G है। क्या मैं समझा पाया क्या? समय लगता है बेटा कुछ अच्छी चीजों को समझने में, पढ़ने में, कंसेप्ट मजेदार है तो जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और थोड़ा सा अच्छा लगाओ तो अपने मित्रों तक भी फैलाए इस बात को कि काफी मजबूती से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगले क्या बात कर रहा है बेटा, तो अगला सवाल अपने आप में बहुत ब्रिलियंट सवाल है कि जैसे सी है, अब ये तो 3 अक्षर का है लेकिन ये 6 अक्षर का हो गया, यानी यार ये एक नया कंसेप्ट हमने यहां से कैसे देखा, जो नया कंसेप्ट यहां पर आ रहा है काफी बेहतर है, उम्दा है, कैसे? जो बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे लेटर जो सी होता है, इससे पहले क्या आता है, सी से पहले देखो बी आता है, और सी के बाद क्या होता है, देखो डी आता है, मतलब हमने क्या करा कि जो लेटर है ना उसका पहले वाला और उसके बाद वाला कंसेप्ट, लेटर के पहले वाला और बाद वाला कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ऐसे पहले चेड और ऐसे पहले बाद में बी, अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी से पहले और पी के बाद में क्यू, ये रहा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे बेटा डब्लू का कोड क्या होगा, तो डब्लू से पहले वी आता है, डब्लू के बाद एक्स आता है, ए से पहले क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में जेड और ए के बाद आएगा बी, अच्छा आर से पहले क्या आता है क्यू और आर के बाद आता है एस, तो बेटा ये आपका कोड हो गया, आई बात समझ में। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक बार थोड़ा तल्लीनता से आराम से पढ़िएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब आगे अगर मैं बात करता हूं जोट, अब आप बोलोगे सर ये तो गजब की बात है, ये भी 3 का है, ये भी 6 का है, लेकिन जेड का तो आपने जेड ही लिख दिया, और अभी यहां मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो तो आसान था, वो तो काफी इजी था, तो इजी तो काफी था, लेकिन अब करें क्या, ये बताओ करें क्या। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि देखो ये एक भयंकर सवाल है, कि पहले तो क्या करोगे, जेड का अपोजिट लेटर लोगे ए, जेड का विपरीत क्या आएगा, ए आएगा, जेड का विपरीत क्या आएगा लाड़ दो, ए आएगा, तो जेड का विपरीत आएगा ए, और अब इस ए से पहले और बाद वाला अक्षर लिखोगे, और अब भाई रम मारिया भाई, ले बेटर भाई रे कड़कड़ाहट है, मार डाला भाई साहब कतई जहर। ओ का विपरीत अक्षर होता है एल, है ना, अब एल से पहले के आएगा और एल के बाद में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, अच्छा टी का विपरीत अक्षर होता है जी, तो जी से पहले एफ आता है, जी के बाद में एच आ जाएगा, यहां क्या करना बेटा, पी है,
पी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, के, ई का होगा वी और एन का होगा एम, तो कैसे पहले जे आएगा के बाद में एल, वी से पहले यू आएगा वी के बाद में डब्ल्यू, एम से पहले क्या आएगा एल और एम के बाद में एन, ये आपका सही आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया, है ना, स्पेशल कैसेज है, तो बेटा थोड़े से एडवांस वाले वर्जन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी उम्दा सवाल बेटा ये रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छे सवाल ये रहने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, देखो एम ओ आर, एम ओ आर, और इसको भी ऐसे लिख दिया, इसका नंबर होता है बेटा 13, इसका नंबर 15, इसका नंबर 18, अब आप खुद देखो 1, 3, 1, 5, 1, 8, नंबर लिखते ही सारे सिनेरियो क्लियर हो गया, नंबर लिखते ही पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि क्यों, कि भैया क्यों क्या होता है कि नंबर लिखते तो हमने इसको बर्बाद कर दिया, इसको एज इट इज लिखा, जैसे एक का नंबर ए और तीन का नंबर सी तो 13 लिख दिया, यानी एम का नंबर 13 को इस रूप में लिखा, अब 15 को इस रूप में लिखा और 18 को ऐसे लिखा, तो बेटा ये 2, 3, 21 और 26, तो 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी, 2 का मतलब बी, 1 का मतलब ए, 2 का मतलब बी और इसका मतलब एफ, क्लियर है कि नहीं है, अब आ जाओ इस पे कि सर यहां क्या कर दिया, अरे हम बताएंगे ना बेटा, इसका नंबर 15, इसका नंबर 16, इसका नंबर 26, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 5 एकम 5, 5, 6 एकम 6, ये 6 और 6 दूनी 12, ये 12, खत्म है, कहीं पर भी कोई लोड नहीं लेना बेटा, बिल्कुल भयानक कंसेप्ट था। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, ये 2 है, ये 21 है और ये 25 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 4 का मतलब डी, 2 का मतलब बी और 10 का मतलब जे, डी बी जे इज योर राइट आंसर। क्या मैं समझा पाया क्या, एक बार के लिए जोरदार तरीके से कमेंट सेशन में बता दीजिएगा बेटा कि क्या मैं आप लोगों को समझा पाया या नहीं समझा पाया, है बेटा समझ में आया कि नहीं आया, काफी उम्दा सवाल थे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगले कंसेप्ट की बात करता हूं, तो ध्यान दे, काफी प्यारा सवाल रहने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इसके बारे में चर्चा की होगी, लेकिन अपन बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी ई ए आर और मान लो एन, ये मान लो पर्न करके कोई एक मीनिंग दे दिया आपको, अब इसको जो लिखा गया वो क्या लिखा गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा गया बी जी क्यू टी और डब्लू, तो आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि बी सी ए पी टी यू आर कैप्चर को क्या लिखेंगे, अच्छा सवाल बनेगा, अच्छा सवाल बनेगा, आप देखना मजा आ जाएगा ना। और ऐसा ही सवाल आपसे बोला जाए, ध्यान दीजिएगा कि ग्रेव को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है यू पी डी ए और वी, तो आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ राउटर को क्या लिखेंगे, ऐसा सवाल आ जाए, तो कई बेहतरीन सवाल और उम्दा सवाल बने हैं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे इनके नंबर लिखेंगे, लेकिन बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं आप नहीं पकड़ पाएंगे, कई बार कई बार पैटर्न ही ऐसा फॉलो होता है कि गजब का रुतबा देता है सवाल, गजब का रुतबा देता है भाई, मजा आ जाता है। कैसे मजा आता है देखो, समझो, समझिएगा आप सवाल को देखना बेटा, है ना, कि क्या करना है, सबसे पहले जो ये वर्ड दे रखा है पी ई ए आर एन, ये जो वर्ड दे रखा है इसको पहले तो आरोही क्रम में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, है ना, कैसे जमाना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे जमाना है, तो सबसे छोटा क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है बेटा ए, उससे जस्ट बड़ा ई, उससे जस्ट बड़ा एन, फिर पी और फिर आर, आया, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, और जब असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया जाता बेटा, तो देखो ऐसे बी तक आएंगे तो +1, ई से जी तक आएंगे तो +2,
एन से क्यू तक आएंगे तो प्लस तीन, या प्लस चार और या प्लस पांच, यह आपका आंसर। तो वही काम आपको दिए गए प्रश्न के अंदर करना है, और जब दिए गए प्रश्न के अंदर करोगे तो बेटा सबसे पहले देखिएगा बेटा ए सी, और उसके बाद में आप देखिएगा बेटा पी, पी के बाद में आर, आर के बाद में टी और ये यू। अब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री की सीरीज जब अपने यहां लगाते हैं तो बेटा यहां पर प्लस वन होता है तो पी आता है, प्लस दो होता है तो ई आता है, प्लस तीन होता है तो एस आता है, प्लस चार होता है तो वी आता है, प्लस पांच होता है तो वाई आता है, और प्लस का छह आता है। तो 21 और 6 27, 27 का मतलब ए फोर ए फोर, यह आपका आंसर आ जाएगा। बेटा गजब का सवाल है कि नहीं, इस सवाल को अपनी कॉपी में सजा के लिखोगे बेटा, सजा के लिखोगे और काफी उम्दा तरीके से लिखोगे। और यह सवाल देने के लिए मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूं, इस सवाल का आंसर निकाल के बताओ। कुछ ऐसा ही सवाल है बेटा, जल्दी से बताइएगा बेटा। शाबाश। चलिए कोशिश करो कि क्या कर सकते हो। देखो आपके सामने मैंने अभी अभी ताजा ताजा एक उदाहरण दिया कि बेटा अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं आरोही में, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। डिसेंडिंग में कैसे, देखो सबसे इस व्यवस्था में सबसे बड़ा कौन है, वी, वी से छोटा कौन है आर, आर से छोटा कौन है जी, जी से छोटा ई और ई से छोटा ए, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो V से माइनस एक, R से माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और माइनस पांच। अब देखो जब आप दिए गए वर्ड को घटते हुए क्रम में जमाते हो, है ना, घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री करते हो, तब आपको इसका कोड मिलता है। वाह गजब की ताकत है। तो बेटा सबसे बड़ा यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, यू, यू से छोटा क्या आ जाएगा टी, टी से छोटा क्या आ जाएगा आर, आर दो बार है तो दो बार, और ओ और ई ये आया, तो माइनस वन होगा तो यहां पर टी आ जाएगा, माइनस दो होगा तो यहां पर आर आ जाएगा, माइनस के थ्री होंगे तो ओ आ जाएंगे, माइनस का फोर होगा तो एन आ जाएगा, माइनस के फाइव होंगे तो जेड आ जाएगा, और माइनस का सिक्स, तो ई का नंबर सिक्स के कैसे जाएगा, तो 25 और 6 31 तो बेटा वाई आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, है ना, ये आपका आंसर। तो कुछ एडवांस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से मिल जाते हैं, है ना। मैंने हमेशा बोला है बेटा कोशिश करता रहे कि अच्छे सवालों को पढ़कर उन पर डिपेंडेंट प्रैक्टिस करें, बुक कोई सी भी हो कहीं से भी प्रैक्टिस कर ले, यहां पर आप अपने सवालों को जांच लें कि कितना आपको आता रहा, आकलन आता है। तो बेटा ये एक बेसिक था, है ना। अब इसके बाद एक टाइप और बनता है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन यहां पढ़ रहे हैं, तो बेटा एक टाइप का क्वेश्चन और आपके पास यह बनता है जो काफी ईजी है, लेकिन आप देखिएगा, जैसे मान लो किसी कोड भाषा में बोला जाए कि एफ ई ए आर, फियर को लिखा जाता है बेटा परसेंटेज एट द रेट ऑफ हैशटैग और ये तीर का निशान, है ना। देन आपको ये बोला जाए कि भैया ए एम पी ओ एम्पो, मान लो एम्पो को लिखा जाता है बेटा हैशटैग रुपया वाला सिंबल कॉपीराइट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन फिर आपको बोला जाए कि बेटा पी ई ए आर पियर का कोड बताओ, चलो पियर का कोड बताओ, या फिर पियर पियरो पियरो का कोड बताओ, ऐसे बोल दे, तो बेटा फिक्स कोडिंग वाला कंसेप्ट है। आपको यहां पर देखते ही पता चल रहा है कि हाँ सर ये तो हम कर देंगे, आपको यहां पर देखते ही पता चल रहा है कि सर यह तो हम कर देंगे, क्योंकि देखो एफ का जगह पर आपको परसेंटेज कोड लिखना है, ई की जगह पर आपको एट द रेट ऑफ लिखना है, ए की जगह पर हैशटैग लिखना है और आर की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। फिर यहां पर बात करते हो, जैसे ए है, ए का कोड है हैशटैग और यहां पर भी ए है, तो ए का कोड हो जाएगा बेटा क्या, हैशटैग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर पीई ए आर ओ है, तो पीई ए आर ओ, तो पी का कोड क्या हो जाएगा कॉपीराइट, और ई का कोड क्या हो जाएगा एट द रेट ऑफ, ए का कोड क्या हो जाएगा हैशटैग, आर का कोड क्या हो जाएगा उड़ता हुआ तीर, और ओ का कोड क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये एज इट इज आपका आंसर आया। ये सवाल बेहद अच्छा हमारे एग्जाम्स में, जो रेलवे की एग्जाम है उसमें भरे पड़े हैं बेटा, काफी सदियों से आ रहे हैं, मतलब जब से एग्जाम चल रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर मैं कह रहा हूं बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहा करो बेटा, है ना, अच्छा लगता है, उम्दा लगता है,
और मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक उत्कृष्ट करियर की तैयारी करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा है एसएससी का फाउंडेशन बैच, जिसमें सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल की हम आपको तैयारी करवाएंगे, जो कि हमारे चारों सेंटर से ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रयागराज से 10 अप्रैल दिन के 3 बजे हम आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जोधपुर से 12 अप्रैल 2 बजे, जयपुर से 12 अप्रैल सुबह 7 बजे और इंदौर से हम सुबह के 8 बजे है जो क्या है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो चाहता है कि सर हम आप लोगों के सानिध्य में पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट बेहतरीन टीम से आप लोगों से पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, तो बेटा देरी ना करें, अभी अपने सेंटर पर जाकर ऑफलाइन क्लासेस का आनंद उठाए, पढ़िए और लगातार पढ़िए बेटा, ठीक है। नंबर आपके नीचे यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग, आप लोग उन पर कॉल कर कर बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा आपकी जो भी क्यूरीज हो। तो अभी जाना है, मतलब वक्त बर्बाद नहीं करना है और वक्त बर्बाद हमें यहां पर भी नहीं करना है ना कि ये ऐसा सवाल है। अच्छा अगर ये सवाल आ गया तो मान लो एग्जामिनर तुम्हें ऐसे हाबू बनाएगा बेटा जिसकी हद नहीं है, कैसे बनाएगा देखो। अब आपको बोलता है अच्छा हमें सिखा दिया है, चलो भाई आपको बोलेगा बी ई ए टी, बीट को लिखा जाता है डी, यह लिख देगा जी, यह लिख देगा सी और यह लिख देगा वी, तथा तथा बोलेगा बेटा, फिर आपको बोलेगा टी ओ एम पी यू और जे, मान लो इसको को लिखा जाता है, को लिखा जाता है बेटा वी लिख देगा और क्यू लिख देगा, एस लिख देगा, देन उसके बाद में वाई लिख देगा है ना, और उसके बाद में लिख देगा जैसे मान लो डब्लू लिख देगा और ए लिख देगा ऐसे है ना, तीन 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 तीन, ठीक है। फिर आपको बोला जाए तो भैया बताइए आपका आंसर, तो भैया पी ओ ई एम बी जे यू का कोड क्या होगा। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, आपने क्या सोचा हम नहीं कर पाएंगे, ये तो आपने सवाल तो दिया है लेकिन किस पैटर्न पे दिया है, तो हम तो ये करते ही आते हैं। जैसे आप पहले वाले सवाल को देखो यार, बी से डी प्लस दो जा रहा है और ई से जी भैया ये भी प्लस दो जा रहा है, एस ए सी बेटा ये भी प्लस दो जा रहा है और टी से बी ये भी प्लस दो जा रहा है, तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्लस टू चल रहा है, तो फिर आप बोलोगे चलो यार इसको भी संभाल के देखते हैं, तो टी और वी प्लस के दो आ गया और ओ और क्यू प्लस के दो आ गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना तगड़ा आसमान पर रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा रहेगा बेटा कि आप आगे नहीं देखोगे और सबको प्लस टू 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 कर दोगे, और जैसे प्लस टू आपने कर दिया तो आपका पहला ही ऑप्शन वो हो जाएगा और पहला ऑप्शन होगा उसको सही करोगे तो गलत, क्यों, क्योंकि बेटा प्लस टू तो है लेकिन अब यहां पर देखो एम है और यहां पर एस है, तो एम और एस में प्लस का टू कहां हो रहा है, पी है पी में और वाई में प्लस का टू कहां हो रहा है, यू है और यू और डब्ल्यू में मान लो प्लस टू हो गया और जे में और एल में प्लस टू हो गया, तो भाई कहीं प्लस टू हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, चक्कर क्या है गुरुजी। तो भैया ऐसा है कि यहां पर ये फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग का मतलब ये आपको बरगलाया गया है कि बी जहां बी आ जाए वहां डी लिख दो बस, प्लस टू प्लस थ्री वाला कंसेप्ट ही नहीं है। अब जैसे पी है तीसरे नंबर पर, तो पी का कोड आ जाएगा वाई, ओ है ओ का कोड आ जाएगा क्यू, ई है ई का कोड आ जाएगा जी, एम है एम को क्या लिखा बेटा एस लिखा है ये एस आ जाएगा, बी है बी का कोड आ जाएगा डी, जे है जे का कोड आ जाएगा एल, यू है यू का कोड आ जाएगा डब्ल्यू, तो ये आंसर होगा। तो कुछ एक वर्ड्स अलग होंगे, वही आपको देखना है क्या मैं समझा पाया बेटा, एक बार उतार लें इसको और सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दे फटाफट, क्या मैं समझा पाया क्या लाड़ दो फटाफट बताएंगे मेरे बच्चा जल्दी से अपडेट कर देंगे। फटाफट बताओ बेटा, उतार लो एक बार, चलिए
गजब गजब गजब, शानदार, बहुत बढ़िया है ना। तो ये आपका एक बहुत उम्दा सवाल बनता है बेटा। अगला सवाल अगर मैं आपसे बात करूं, अगला टाइप बहुत गजब का सवाल है। अच्छा, लेकिन इस सवाल की ईमानदारी से बताऊं बेटा, रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि गारंटी इस सवाल की भी नहीं है। सीरीज आपने पढ़ी होगी, जैसे यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल कंसेप्ट है कि किसी कोड भाषा में केट को, केट को चॉइस बोला जाता है, तो मेरे लाडलो डोग को क्या बोला जाएगा। चलिए, डोग को क्या बोला जाएगा, फटाफट बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। कई बच्चों ने तो दे दिया होगा आंसर, कई बच्चों ने तो फड़फड़ा दिया बेटा, है ना, क्योंकि देखते ही पता चलता है कि हाँ सर, कुछ ना कुछ नंबर, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल से यहां पर सवाल पूछे गए हैं, और यहां पर जो भी है काफी अच्छा बवाल है। आप लोगों ने क्या देखा होगा कि यार ये तो गजब की बात है, कैसे कि सी का जो नंबर होता है वो 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है या 20 होता है, और सबको जोड़ दो 24, खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहां पर डॉग का मतलब ये 4 होगा, ये 15 होगा और ये 7 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 26। सिंपल है ना यार, 4, 15 और 7 सिंपल है, क्लियर है कि नहीं है। अब आपको लगता है कि चलो ये तो ठीक है, अब ऐसे ही कुछ 2-4 सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, और कमेंट सेशन में बेटा भर भर के इसका आंसर देंगे, भर भर के आंसर देंगे बेटा, है ना। बहुत इजी है, आप लोग इजी वे में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट बताएंगे बेटा, है ना, आराम से। जैसे किसी कोड भाषा में आप लिख दे बैट है को 23 लिखा जाता है, तो बी ए डबल एल बॉल को क्या लिखा जाएगा, है ना, जल्दी से आंसर देंगे मेरे लाडू। फिर आपको बोला जाएगा अगला क्वेश्चन कि भैया एम ए एन मैन है, मैन को 10 लिखा जाता है, तो बेटा डी ए मान लीजिएगा पी डेप को क्या लिखा जाएगा, है ना। चौथा सवाल मेरे लाडू, यहां बोला जाए बेटा डी ए और टी को किसी कोड भाषा में 10 लिखा जाता है, तो पी ए बी को क्या लिखा जाएगा। पांचवा सवाल के कार, कार को मान लेते हैं, है ना, 1 लिखा जाता है, सोचना पड़ता है ना, मैं सवाल देते तो 0 मान लो, तो बेट को क्या लिखेंगे, बेट को क्या लिखेंगे। अगला सवाल बेटा आराम से तसल्ली से, है ना, देखिए बच्चा, चौथा सवाल मतलब नेक्स्ट छठा सवाल, बी ए एन चौंतीस लिखा जाता है, तो एफ ए एल को क्या लिखेंगे। सातवा सवाल जी ए टी को 14 लिखा जाता है, एमओजी को क्या लिखेंगे, फटाफट फटाफट बताएं, जल्दी से सोचे समझे। अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मली अपन ने स्टार्ट किया है, बाकी यहां पर क्वेश्चंस बड़े उम्दा बनते हैं बेटा। 30 सेकंड है आपके पास, सवालों को फड़फड़ा दो, मतलब 30 सेकंड का मतलब 1 मिनट है आपके पास, इतनी जल्दी तो कैसे फड़फड़ाओगे, फटाफट बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जल्दी बताएं। फटाफट बताएं, लिखते रहें, तय ज्ञान देते रहें। आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, कोशिश, यहां पर
सामने सवाल दिख रहे हैं और लगातार आपके कॉन्वर्सेशन में आंसर आने चाहिए, और जैसे ही कॉन्वर्सेशन में आंसर आना स्टार्ट कर देंगे, मैं कह रहा हूं बेटा हाबू बना देंगे, बेटा हाबू नहीं बाबू बना देंगे। देखो कैसे समझो बेटा, यहां पर आप लोगों को पता है कि सब नंबर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन, और जब नंबर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं तो उम्दा क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बी है, इसका नंबर दो है, इसका नंबर एक है, इसका नंबर बीस है, बीस और एक इक्कीस और दो तेईस, वही जोड़ दिया। तो यहां पर क्या किया बेटा, बी ए एल और एल, तो दो प्लस एक और ये चौबीस, मान लो बारह और बारह दोना चौबीस, चौबीस और पच्चीस और दो सत्ताईस, बताओ आया है कि नहीं आया, 27 आपका सही आंसर आया या नहीं आया, सबका आया होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि अल्फाबेटिकल लेटर के उनके जो प्लस वैल्यू है नंबर को लेकर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आगे बात करेंगे तो जैसे बेटा मैन है, तो ये 13 + 1 = 14 and 14 इट्स बिकम 28, यानी कि यहां पर जो 28 आंसर है, अब 28 से 10 कैसे आया, तो बेटा एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों को भी ऐड कर देता है, तो ये 10 आ गए। तो वैसे जैसे 4 + 1 = 5 और 16 + 5 = 21, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो बेटा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में सीधा, अब आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, अब आपको पता है कि फ्लो कैसे चल रहा है, अब ऐड होता जा रहा है तो बेटा माइनस भी होगा, हो सकता है माइनस, कोई इशू नहीं है। तो देखो बेटा ये 4 है, ये 1 = 5 है और 20, ठीक है। अब आप ये देखो कि माइनस होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे 4 + 1 = 5 और 20 = 25, अब 25 इसका टोटल है, अब 25 से गुरुजी 10 कैसे आया, 15 घटा दे क्या है या कुछ और घटा दे क्या, भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 को और 5 को, तो देखो दो अंक आए उनको गुणा कर दिया, तो जब गुणा किया तो आपका यह आंसर आया, बोलो हां आया कि नहीं आया, है ना। या देखो यहां 16 है, 16 और 1 = 17, 17 और 2 = 19, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 ही आ जाएगा। कार देखो जुड़ गया, गुणा हो गया, अब ये ऐसे करें कि कार को तो भाई ने 0 लिख दिया, तो भाई 3 और 1 = 4, 18 और 4 = 22, तो दोनों अंकों का अंतर ले लिया यानी माइनस, तो बैठ यानी 2, 1 और ये 20, तो बेटा ये 23 और दोनों का अंतर आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा करना, अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है बेटा कि वो इसको माइनस के 1 लिख दे या केवल 1 लिख दे। अंतर मतलब 3 में से 2 गया तो 1, या फिर 2 में -3 हो गया तो माइनस का बड़ी संख्या होगी तो 1, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सवालों को लिख सकता है। आगे बात करेंगे बेटा बैंक, BAN बैंक, वाह भाई गजब की ताकत है। तो बेटा देखो यहां पर 2 है या 1 है और या 14 है, 14 + 1 = 15 और 2 = 17, 17 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना कर देंगे तो 34 आ गया, ये भी कंसेप्ट है। आगे बात करें तो फेल है, 6 + 7 = 7 और ये 12, 12 + 1 = 13, 13 + 6 = 19, 19 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 9.5, 19.5 है, 9.5 मतलब 9.5, ये तो होगा 19 का आधा, तो 9.5 पॉइंटों में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 7 + 1 और + 20, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21, 21 और 7 कितने होते हैं बेटा 28, अच्छा सॉरी वो डबल हो रहा है, एक मिनट के लिए ना अपन ने थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा दी सवाल में, वहां पर डबल होता बेटा तो 19 का डबल जो होगा वो यहां पर हो जाएगा बेटा 34, है ना, 19 का डबल 38, 19 × 2 = 38, यहां पर डबल हुआ, आधा यहां हो रहा है, तो ये 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 20 + 21 = 7 = 28, 28 का आधा आएगा बेटा 14, यहां पर आधा जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक सुधार लीजिएगा है ना। तो ये बेटा 13 है, 15 है, 7 है, 13 और 7 = 20, 20 और 15 = 35, और 35 का आधा हो जाएगा बेटा 17.5। तो यहां पर ये कुछ कंसेप्ट जो हमने सीखे, गुणा आएंगे डबल हो जाएगा, आधा दूर आ जाएगा, आगे भी एक दो कंसेप्ट जो तुम्हें दे रहा हूं और फटाफट तुम्हें आंसर बताना यार, है ना, जिस तरीके से लगातार तुम बता रहे हो वैसे आंसर बताना है। जैसे MAN मैन को 82 लिखा जाए तो मेरे लाडलो BOY बॉय को क्या लिखेंगे, क्लियर है। जैसे यहां पर लिख दे बेटा WAR वार को 15 लिखा जाए तो मान लो X, R, A और Y, एक्सरे को क्या लिखे, आएगा भैया आएगा, इसके अभी नंबर आएगा, है ना। आगे बात करें बेटा तो यहां पर बोले बेटा PER पीयर को बेटा लिखा जा रहा है 7, 5, 1 और 9, तो बताइए WONDE को क्या लिखेंगे,
वंडर ही मान लो, है ना, ज्यादा है, वंडर को क्या लिखेंगे, नॉट बंदर, इट्स वंडर, है ना। उसके बाद बेटा जैसे यहां पर आ जाए कि बी ए टी बेट को 2, 5, 2, 6 और 7 लिखा जाता है, तो क्रू को क्या लिखेंगे, क्रू को क्या लिखते हैं, है ना। और यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जैसे यहां पे लिख दे बेटा, मान लो सी ए और एन को लिखा जाए 6, 8 और 4, तो बी ओ पी को क्या लिखेंगे, फटाफट। काफी अच्छा प्रश्न बन बैठा है बेटा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, गजब की ताकत है बेटा, जल्दी बताएंगे। चलिए शाबाश, वही आपके पास, आपके लिए समय है, आप जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे फटाफट। कमेंट्स मैं आपको देख रहा हूं, साइड में मैं हट जाता हूं एक सेकंड के लिए, ना कमेंट्स आपके देखे जा रहे हैं बेटा, फटाफट आंसर बताएं बेटा, क्या आंसर आएगा। फटाफट बताएं बाबूज, चलिए सोच सकते हो ऐसे प्रश्नों का आंसर देते वक्त, बहुत गजब का सवाल है, वही अंकों के साथ है बेटा, अंकों के साथ खेला खेला जा सकता है इसके साथ, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। मैन को 82 लिखा जाता है, बॉय को क्या लिखा जाएगा, वोर को 15 लिखा जाता है, अंकों के साथ क्या खेला खेल रहा है ये, अंकों के साथ क्या घटना घटा रहा है, जल्दी से बताएं बेटा। शाबाश, चलिए देखते हैं, तो एक बार इनको ओपन सही कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बाबू यहां पर क्या कर रहा है, जैसे मैन है तो ये 13 है, ये एक 14 है, और 14 कितना होता है, 28 होता है, चूंकि 28 है, लेकिन इनके लेटर्स को मैंने बदल दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, तो वही काम बोई के साथ करोगे, 2, 15 और 25, तो 25 और 15 तो कितने हो जाएंगे बेटा, 40, 40 और 2, 42, 42 को 24 लिख दोगे। ऐसे ही वार है, अब वार को 15, ये एक अच्छा तरीका है, इसका नंबर 23, इसका नंबर 1 और ये 18, तो बेटा वार को पहले W को 23 मानते थे, अब 2, 3, 5, 5 और 1, 6, 6 और 1, 7, 7, 8, 15, इनको इंडिविजुअल जोड़ा है, पर्सनली जोड़ा है, तो 24, 18, 1 और 25, 2, 4, 6 और 1, 7, 7 और 8, 15, 15 और 1, 16, 16 और 2, 18, 18 और 5, 23, ये आपका आंसर। यहां बात करें, गजब का सवाल है बेटा, पी का नंबर 16 है, 6 और 1, 7 लिख दिया, ई का नंबर 5 है, 5 का 5 लिखा, ए का नंबर 1 है, 1 का 1 लिख दिया, 18 का 8 और 1, 9, तो ये इजी वे में आप यहां से कर सकते हो। अगर मैं बेट की बात बताऊं तो देखो बेटा बी है, बी का अपोजिट अक्षर होता है वाई, वाई का नंबर होता है 25, ए का अपोजिट अक्षर होता है जेड, जेड का नंबर होता है 26, और टी का अपोजिट अक्षर होता है जी, जी का 7, यानी सी का अपोजिट अक्षर होता है एक्स, इसका आई, इसका एफ, एक्स का नंबर 24, ये 9 और ये 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और अंतिम सवाल काफी उम्दा है, ये सवाल बेटा मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, दिल तोड़ के न जा, इसे छोड़ के न जा, है ना, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि इस सवाल का जो आंसर है वो आप लोग नीचे कॉमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास रही थी काफी बेहतर है, काफी उम्दा रही होगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, उत्कर्ष परिवार के साथ, उम्मीद करता हूं आप काफी जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, और आपकी क्लास काफी आनंददायक रही होगी, और अगली क्लास में और नए जोश के साथ मैं आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।